अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर आदिल हकीम आदिल हाज़िर है डेली यूट्यूब के साथ। आज मैं आपको गर्मियों का तोहफ़ा बनाना सिखाऊंगा, जिसे सरदाई कहते हैं, बादामों की खालस सरदाई, देसी बादामों की। देसी बादाम लेने आपने, उनको तोड़ कर गिरियाँ निकालनी है। देसी बादाम लेने सख्त छिलके वाले, सख्त छिलका जिसका होता है, नरम छिलके वाले नहीं लेने, और ना निकली हुई गिरियाँ लेनी है जो अमेरिकन जिसको बोलते हैं। देसी बादाम लेने हैं जिनमें ज़्यादा ताकत होती है। ये देखें, इनको रात को भिगो कर सुबह इनके छिलके उतारने हैं इस तरह, ठीक है जी। इसमें शामिल होगी खसखस, ये देखें, और ये सौंफ थोड़ी सी, हाफ टेबल स्पून, और हाफ टी स्पून ये काली मिर्च है, और 3 अदद जो हैं छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची शामिल होगी, और ये पिसी हुई चीनी मैंने पीस के ग्राइंड करके रखी हुई है, ठीक है, ये शामिल होगी। और बादाम की गिरियां तकरीबन हैं 30 से 40 अदद, और खसखास जो है तकरीबन है ये 35 ग्राम ले लें। रात को भिगोकर इसको साफ़ कर लेना है, मट्टी वगैरह निकल जाएगी। और हम अभी शुरू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। सबसे पहले जनाब खसखास शामिल करेंगे इसमें, ये तकरीबन 3 चम्मच है, तकरीबन 30-35 ग्राम है ये खसखास है, ये देखें, ठीक है। इसको शामिल करेंगे, काफ़ी थोड़ी सख्त होती है, इसके लिए गिरी बाद में शामिल करेंगे, और साथ ये सौंफ देखें, सौंफ को शामिल करेंगे, और इसको अच्छी तरह रगड़ लेंगे, ठीक है। दो 3 मिनट रगड़ने के बाद जनाब इसमें शामिल करेंगे, ये देखें, छोटी इलायची के बीज निकाल लेंगे, ये देखें, अब इसको दोबारा रगड़ेंगे। इसको जनाब 10-15 मिनट हम खसखस को रगड़ेंगे, शायद आपको आवाज़ आ रही होगी शोर में, 10-15 मिनट इस खसखस को रगड़ेंगे। अगर ये खुश्क हो जाए तो थोड़ा सा हल्का सा पानी लगा लिया करें, ठीक है ना, हल्का सा, बस ऐसे थोड़ा सा, बस थोड़ा सा पानी लगा के इसको दोबारा रगड़ना शुरू कर लें, ठीक है जी। 10 मिनट हो गए जी बराबर, अगर तो ये देखें, अब हम इसमें गिरियाँ ऐड करेंगे, ये देखें, इनको भी 10 से 15 मिनट तक रगड़ेंगे, अच्छी तरह इनको बारीक करेंगे। पहले इसको ऐसे ऐसे करके करेंगे, जब ये सारी टूट जाएंगी फिर इनको रगड़ा लगाएंगे। जी जनाब देखिए, हमने अच्छी तरह उनको तोड़ लिया गिरियों को, तोड़ने के बाद रगड़ा लगाएंगे, ये देखें, ऐसे रगड़ा लगाएंगे, ये रगड़ा देखिए 10 से 15 मिनट लगाएंगे ताकि अच्छी तरह ब्रेक हो जाए। 10-15 मिनट बाद मिलते हैं इसको जनाब, अभी 10-15 मिनट नहीं हुए, अभी इसको इकट्ठा करेंगे, ये देखिए इकट्ठा करके ना ऐसे, फिर रगड़ा लगाएंगे, ये देखिए इकट्ठी कर लेंगे ताकि सारी इस तरह मिक्स हो जाए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये देखें सरकारी हमारी तैयार हो गई है तकरीबन। आप इसमें दूध शामिल करेंगे और चीनी शामिल करेंगे, बहुत से माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू है, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है जनाब, माशाल्लाह जी देखें। इसको चेक करने का तरीका ये है कि उंगली के साथ इसको ऐसे चेक करें, अगर इसमें दाना रह जाए तो फिर अभी तैयार नहीं हुई, अगर मुलायम हो, नरम और मुलायम हो, समझो तैयार हो गई, ठीक है जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, तैयार हो गई है, खुशबू बड़ी प्यारी है, साइडों से उतार लेंगे इसको, ये देखें, उतार के इसको सेंटर में कर लेंगे, ये देखें, ठीक है जी। अब इसमें हम शामिल करेंगे दूध जनाब, खालस दूध इसमें ऐड करेंगे, इसमें दूध ऐड करने देंगे,
ये जनाब 1 किलो दूध है, ये इसमें जाएगा इधर। माशाल्लाह जी 1 किलो दूध इसमें ऐड किया। इसको आस्ता आस्ता ये देखें मिक्स करेंगे, ठीक है। 1-2 मिनट तक इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद इसमें चीनी शामिल करेंगे। अब इसमें जनाब हम चीनी शामिल करेंगे, ये पीस पीस के मैंने रखेंगे, ये पीसी चीनी ये देखें, तकरीबन 150 ग्राम तक इसमें ऐड करेंगे, ठीक है जी। ये जनाब 150 ग्राम तक इसमें चीनी ऐड कर दी हमने। और साथ ही हम इसमें वो जो काली मिर्च रखी हुई थी ये देखें, थोड़ी सी हाफ टी स्पून तकरीबन है, ये ऐड कर देंगे, ठीक है जी। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे, देखें ये माशाल्लाह तैयार हो गई है हमारी। अब हम इसको जग में डालेंगे और बर्फ़ ऐड की हुई थोड़ी सी देखें और ऐड करेंगे, ये देखें। ठीक है जी, ठंडी करके ये देखें, बहुत ही प्यारी खुशबू है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तैयार हुई है हमारी सरदाई। ये देखें देसी बादामों की सरदाई, ये देखें, ठीक है जी, बड़ी ज़बरदस्त सरदाई तैयार हुई है, ठीक है। इसको ठंडा करेंगे, ये देखें, देखें जी मैंने तो अपने लिए मिट्टी का प्याला रखा हुआ है, देखें सुनते नबी के तरीके से, ये देखें इसमें डालेंगे। मैं तो इस प्याले में देखो पीऊँगा ठंडी ठाक दिल भार, बड़ी मज़ेदार जायकेदार है, ये देखें बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह जी, बहुत ही टेस्टी है। ठंड पड़ गई जनाब, बड़ी ज़बरदस्त है, पीने से बहुत दिल को ठंडक पहुँचती है। आप पिए, अपने मेहमानों को पिलाएँ और अपने बच्चों को बुलाएं, उनकी सेहत बहाल करें, उनका दिल दिमाग ताज़ा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासर, अल्लाह ताला आपकी सेहत महफूज रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।